हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम। और इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो और पहले समझो कि ये क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि टू स्पीयर ए एंड बी, उनकी मास जो है मासेज अलग अलग हैं, एक का एम वन है एक एम टू है, और उनके बीच कोलिजन हो जाता है यार, ठीक है। ए पहले से रेस्ट था, जिसका मास एम वन था वो पहले से रेस्ट था। यहाँ पर M1 जो है, M1 पहले से रेस्ट था, इसका नाम A है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। और जो M2 नाम का था वो भी वेलोसिटी से आ रहा था, और इसका नाम B था, और इसके पास वेलोसिटी B था। जब कोलिजन X एक्सिस के लॉन्ग हुआ, पहले X एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे थे, तो कहता है आफ्टर कोलिजन B ये वाला, ठीक है, मूव परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ए किधर जा रहा है, देखो। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है वो जुगाड़ मेथड, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, उसको तुम इससे एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। मतलब जुगाड़ मतलब कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, टिप्स, इस तरह से लगा के सोच के आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। उसको हम डिफाइन करते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी ना। चलो, तो ये कहता है जब कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के बाद ये जो पार्टिकल है दूसरा, जो वो बी वाला, वो एम टू, वो ऊपर जा रहा है। तो ए वाला किधर जा रहा है, आप कॉमन सेंस से बता सकते हो क्या कि ए वाला जो था, ये जो ए है वो किधर जा रहा है। जब बी ऊपर जाने लगा कोलिजन के बाद, तो ए किधर जा रहा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इस टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए नेट मोमेंटम किधर था पहले, कोलिजन से पहले इन दोनों का नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। तो ये वाला जो, ये जो छोटा वाला जो ए है, जो ए, वो किधर जा रहा होगा, क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। x एक्सिस के लॉन्ग कभी नहीं जा सकता। क्या x एक्सिस से ऊपर थीटा डिग्री पे जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। ये भी पाथ गलत है, ये भी पाथ गलत है। क्यों? क्योंकि यार अगर मान लो ये इधर जा रहा, तो इसका मोमेंटम इधर गया और इसका मोमेंटम इधर गया, तो नेट मोमेंटम किधर गया? तो नेट मोमेंटम जो है, हाँ, नेट मोमेंटम आ जाएगा। नेट मोमेंटम अगर मान लो, समझ रहे हो ना मेरी बात है यार, मान लो ये इधर जाने लगा, तो इन दोनों का वेक्टर नेट मोमेंटम इधर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन है। नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम एक्स एक्सिस में। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जा रहा है, तभी भी इसका मोमेंटम इधर आया और इसका मोमेंटम इधर आया, तो नेट मोमेंटम एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जा किधर रहा होगा, वो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन सेंस से निकाल लिए कि ये जो जा रहा होगा वो, अगर B कोलिजन के बाद जो B वाला है, जो M2 है, वो ऊपर जा रहा है, तो ये मिस्टर जो A है वो इधर कहीं जा रहे होंगे, ठीक है, इधर ऐसे कहीं जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ M1 जा रहा होगा A, जिसकी वजह से जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, नेट मोमेंटम किधर आए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये नेट मोमेंटम आ जाएगा इनका, नेट मोमेंटम। अब जाके मोमेंटम कंजर्वेशन सही होगा, आया समझ में? ये देखो, और ये क्या, ये ए वाला ये ऐसे नीचे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इधर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इधर आ सकता है? बिल्कुल, ये सब पाथ गलत है यार। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस से कुछ नीचे निगेटिव थीटा, एक्स एक्सिस से नीचे कुछ निगेटिव थीटा डिग्री पे जा रहा है। मैं आपको समझाने के लिए इतना बात किया हूँ, ठीक है। और जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है मोमेंटम कंजर्वेशन, सेम एज दैट ऑफ द बी आफ्टर कोलिजन, द मास ऑफ ए मूविंग आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन सेम एज बी, अपोजिट टू बी कभी सही नहीं हो सकता, प्लस थीटा डिग्री कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है, और सेम एज बी कभी सही नहीं हो सकता। ये कभी सही नहीं हो सकता यार, ठीक है, क्योंकि B ऊपर जा रहा, तो ये x एक्सिस में थोड़ी जाएगा A वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन सही है। अगर आप इससे सही, मतलब ठीक है, ये आप इसे बहुत क्विक और आसानी से कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे यार, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये मास M2 था और ये यहाँ से आ रहा था, M1 आ रहा था, ठीक है। चलो, यहाँ पर इन दोनों के बीच हो गया कोलिजन और ये M2 ऊपर जाने लगा, और चलो मान लेते हैं हमको पता नहीं अब किधर जा रहा, हमने तो लॉजिकली निकाल लिए थे ना, हमको पता नहीं है वो किधर गया, तो हम मान लेते हैं वो
जो है M1 जो है वो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे ऊपर जा रहा है, हमने मान लिया, ठीक है, हमको पता ही नहीं हो किधर जा रहा, तो वो मैथमेटिक्स बता देगा ना, चलो मोमेंटम कंजर्वेशन बता देगा। अब जो थीटा डिग्री पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है और ये v/2 से जा रहा होगा ना, ये v/2 वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है। टू स्पीयर एंड बी एम मास मोमेंट कोलाइड विद आफ्टर कोलिजन द बी हैज वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मास ऑफ ए। हाँ, यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा क्वेश्चन में एक छूट गया है, जो ये है परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी बाई टू, ठीक है, वी बाई टू ओरिजिनल से आधा, ठीक है, पहले कितने से आ रहा था, वी से आ रहा था, अब कोलिजन के बाद एक की तो वेलोसिटी पता होगी ना, ये वी बाई टू से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लिटिल बिट छूट गया था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना, ये जो वेलोसिटी वी है वो एक्चुअल का वी बाई टू है, ठीक है, और ये हमें अननोन है। चलो अब ये जो वेलोसिटी है, यहाँ इधर मोमेंटम कितना बना, इधर मोमेंटम बना m1 v1, तो इसका इसको कंपोनेंट कर देते हैं, ये आ जाएगा m1 v1 cos थीटा और एक कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा जो हो जाएगा m1 v1 sin थीटा, मोमेंटम था। तो अब मोमेंटम कंजर्व करा दें किधर, x एक्सिस और y एक्सिस में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इन x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x एक्सिस, है ना, है ना। चलो तो इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस में, इसकी इनिशियल मोमेंटम लिखो m2 v और इसकी गई 0 x एक्सिस में, कोलिजन के बाद इसके पास मोमेंटम है m1 v1 cos थीटा और उसका x एक्सिस में है ही नहीं 0, तो यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू आ गई और cos थीटा की वैल्यू आ गई m2 v अपॉन m1 v1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया और ये मुझे मिल गया। चलो अब वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करा, वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस, भाई मोमेंटम कंजर्वेशन सही होना होगा ना। तो वाई एक्सिस में एक कोई नहीं जा रहा था पहले, तो इनिशियली जीरो जीरो और ये वाई एक्सिस में जाने लगा एम टू वी बाई टू, एम टू वी बाई टू और ये आ जाएगा एम वन वी वन साइन थीटा। आया बात समझ में यार, दोनों का मोमेंटम लिख दिए, कोलिजन के बाद ये ऊपर जा रहा था और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ गया, क्लियर है मेरी बात। चलो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा आ जाएगा m2v टू टाइम्स m1v1 और माइनस साइन कौन लगाएगा, माइनस साइन मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गए, यहाँ से हमें थीटा पता चल जाएगा कि वो किधर जा रहा है, कितनी एंगल से जा रहा है। दूसरे वाले में से पहले से डिवाइड कर देता हूँ, इसमें से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, टेन थीटा से डिवाइड कर दोगे। एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूँ एम टू वी वाई टू एम वन वी वन टू एम वन वी वन और कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एम टू वी और ये आ जाएगा एम वन वी वन। तो m1 v1 ने m1 v1 को और m2 ने m2 को और v ने v को, ठीक है, तो ये माइनस वन बाई टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वन बाई टू। तो ये बता रहा है कि आप जो थीटा लिए थे यहाँ से प्लस वो गलत है, ठीक है, माइनस थीटा आएगा, माइनस थीटा मतलब यहाँ से, ठीक है, हॉरिजेंटल से x एक्सिस से इधर थीटा डिग्री पे जा रहा होगा, जो कि हम पहले से एनालिसिस से निकाल लिए थे। क्या ये ऐसे कभी जा सकता है यार, असंभव यार, इम्पॉसिबल, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना, कोलिजन में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जहां लोग स्ट्रगल करेंगे, और अगर तुम जो ये कॉन्सेप्ट बताया, मैं जो लॉजिक बताया ना, उस लॉजिक से अगर करोगे तो एक लाइन में चुटकी में क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, और टाइम बच गया। और यही तो हमें करना है एग्जाम में, हमें टाइम बचाना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, जो टाइम कंज्यूम किया वो गया यार, वो बाहर गया, ठीक है। चलो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इनक्रीज, अब देखो यहाँ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन, पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक एक को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से याद है थ्योरेटिकली पढ़े हो, या नहीं तो एक एक ऑप्शन को चेक करो कि देखो प्रैक्टिकली किसमें से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है
अपॉन द सिस्टम, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है? चलो एक बार करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, और इस पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, ब्लॉक अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर लिया, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग रहा था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पे वर्क कर रहा है जो कि एक निगेटिव वर्क डन है, फ्रिक्शन क्या नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा गया? नहीं भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो पूरे फिजिक्स में सही होना चाहिए ना, हर सिचुएशन में हर जगह सही होना चाहिए, यही तो होता कॉन्सेप्ट यार, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क बाय अगेंस्ट है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मैं ले लूँ, चलो ये ग्रेविटी ले लिया, इसमें मैंने एक पेन रख दिया यहाँ पे, अब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, ये पेन वर्क करेगा, ठीक है, अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर ले गया, तो अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले गया तो ये गीस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यार, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम, ये सिस्टम अगर यहां से यहां मूव करता है और इस पे नॉन कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही नहीं हुआ, ये गलत है यार, ठीक है। वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है, अगर ये पेन ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटी वर्क करे, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, क्या नहीं यार, घटी, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस रीच इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, बोलो एक बॉडी को मैंने फेंक दिया यार, बहुत ऊपर फेंक दिया, इतना ऊपर फेंक दिया कि अर्थ की रेडियस से बराबर 6400 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सिमेटली, वहां तक पहुंच गया, पावर डिनिबल बाई द ग्रेविटी ग्रेटेस्ट, अब जो ग्रेविटी लग रही है समझना, मतलब यार एक आदमी सुपरमैन है और वो यहाँ से इसको फेंका, ठीक है, और नॉर्मल आदमी तो फेंकेगा नहीं कि भाई 6400 किलोमीटर चला जाए, इंसान तो होगा ही नहीं यार, ठीक है, कोई इंसान इस धरती पे ऐसा तो नहीं यार, एलियन ओलियन होगा कोई, यहाँ से फेंक दिया और ये 6400 किलोमीटर चला गया, अब चला गया तो वापस भी आएगा, ठीक है, ये वापस आएगा, अब जब वापस आएगा तो ये कहता है इस पूरी जर्नी में एक बार फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, और आपको पता है जितने से फेंका जाएगा उतना ही से हीट कटता है एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो जस्ट बिफोर दे, तो उस समय जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी का पावर मैक्सिमम कब होगा, अब ग्रेविटी का पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर होता क्या चीज है वो पहले डिफाइन कर लें, पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एफ डॉट बी, इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो एफ डॉट बी, तो फोर्स ग्रेविटी लग रही है और वी कॉस थीटा, ग्रेविटी का फोर्स हो गया एम जी, ग्रेविटी का फोर्स हो गया एम जी और वी, अब कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि पावर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तभी पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा जब ग्रेविटी भी नीचे लगेगी वेलोसिटी भी नीचे होगी, ग्रेविटी एम जी, एम जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, जब वो वापस आएगा उसी वक्त वेलोसिटी नीचे होगी, उस वक्त थीटा दोनों के बीच जीरो होगा तो पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा, मतलब ये हुआ एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हीट द अर्थ, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है, एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यार, पावर जीरो हो गया, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत बात है, जब आप इतनी ऊपर फेंक दिए हो जी वेरी कर रहा है तो पावर वेरिएबल है, ठीक है, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जब प्रोजेक्ट करोगे तो थीटा 180 आ जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। चलो ये क्या है क्वेश्चन, चलो ए बॉडी ऑफ मास रिलीज फ्रॉम ए पैराबोलिक पाथ है सोन इज, अज्यूम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल एम, इच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ देखो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो लास्ट वाला है, तो वर्क एनर्जी पावर का,
बट एक्चुअली ये SSM के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। ये कहता है आप पहले क्वेश्चन को समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इधर समझो एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन का ग्राफ है Vx, ठीक है, ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और Vx का ग्राफ है। तो अब ये देखो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, लाइक जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इस टाइप है। और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस पोजिशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है यार। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़े होंगे जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हाँ, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जहां से छोड़ा गया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर यहां से छोड़ा जा रहा है टी इज इक्वल टू जीरो से, तो इस ये टी इज इक्वल टू जीरो पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, समझना, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पार्टिकल यहाँ रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर रहता है और उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है भाई। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेगा फिर करेगा ये क्वेश्चन। एक्सट्रीम पोजिशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देता भैया, वेलोसिटी देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये मैं जुगाड़ से कर रहा हूँ, आप अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी यार, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है dx/dt वो क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है यार। तो इसका मतलब ये हुआ जब टाइम जीरो था तो स्लोप जीरो होना चाहिए यार, ठीक है। स्लोप जीरो तभी होगा जब ये कभी सही नहीं हो सकता, इसमें स्लोप जीरो नहीं है टी इक्वल टू जीरो पर, ये कभी सही नहीं हो सकता, स्लोप जीरो नहीं है, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, यहाँ स्लोप जीरो नहीं है, मतलब ये टी इज इक्वल टू जीरो पर देख रहे हो, ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये सही है, यहाँ पे स्लोप आता है ना, यहाँ पे स्लोप जीरो है, क्लियर है। अगर इससे क्लियर नहीं हुआ आपको, इससे क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वाई इज इक्वल टू होता है ए साइन थीटा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, साइन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ए भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसका मतलब ये हुआ जो भी सही होगा वो साइन का कर्व भी सही होगा। तो साइन का कर्व इसमें से कौन सा, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, साइन का कर्व नहीं है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सही होने के चांस है। लेकिन सही होने के चांस है जब टी इक्वल टू जीरो था, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, जब टी इक्वल टू जीरो था एक्सट्रीम पोजिशन पे तो वेलोसिटी जीरो थी यार, तो टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, वेलोसिटी यहां पे जीरो है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो ये सही है टी इक्वल टू जीरो पे। चलो ये कहता है एक फोर्स है, फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को निकालना है वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। 12 मीटर कहाँ है मेरे भाई, तो 12 मीटर यहाँ है यार, यहाँ पर है 12 मीटर, ठीक है, तो 12 मीटर यहाँ, तो टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ है, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो अब आपको ये बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ बनाता हूँ फोर्स और एक्स का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूँ, तो इसको एरिया अंडर द कर्व, क्या बोला मैं, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन।
ठीक है। तो एफ एक्स ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन, रिप्रेजेंट वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है यार, एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां तक एरिया है, देखो यहां ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, तो एरिया अंडर द कर्व ये वाली एरिया, ये एरिया हमें बताएगा कि इसमें तो कोई एरिया ही नहीं है, तो वर्क डन जीरो है यार, यहां तक फोर्स परपेंडिकुलर होगा, यहां तो वर्क डन जीरो है, ठीक है। यहां से एरिया बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद ये पूरा मैं एरिया निकालूंगा, वही मेरा वर्क डन देगा। तो चलो ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे यार, इसका आप सबको आता होगा एरिया निकालना, ये एरिया अंडर द कर्व दैट इज द वर्क डन, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ट्रेपेजियम है ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, रेक्टेंगल करके भी निकाल सकते हो, एक बार टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 7-3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2, बेस है 12-3 और हाइट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 ने 2 को और ये आ जाएगा 4-8 और प्लस 8 और प्लस ए आ जाएगा 9, ठीक है। तो 12 माइनस यहाँ पर गलती हुआ भाई, 12-7 आएगा ना, 12-7 ये तो कह रहा हूँ यार गड़बड़ा रहा, यहाँ से जो बेस है ट्राइंगल का बेस है वो 12 ये वाला 12-7, तो 12-7 ये 5, तो ये आ जाएगा 13 जूल, 13 जूल इज द वर्क डन। जब कभी भी कुछ गड़बड़ होता ना तो अंदर से अंतरात्मा होती है वो बता देती है, ठीक है, अंदर से आवाज़ आ जाता है भैया तू गलत कर रहा है। ज़्यादातर देखा गया जब आप ज़्यादा परेशान होते हो, ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, तो समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। कि कोई सवाल कर रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई सवाल कर रहे हो और यार वो कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी जा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है यार, ठीक है। मतलब हमें ये जनरली ऐसा होता है, पर हो सकता है वो सवाल ही बहुत लेंदी और डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो ये कहता है ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल डबल द मास। चलो एक बॉल है वो मूव कर रहा है, ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी, ये बॉल 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है प्यारे बच्चों, कोलाइड हेड ऑन अनदर स्टेशनरी बॉल। चलो यहाँ पर एक स्टेशनरी बॉल है, स्टेशनरी बॉल जिसकी वेलोसिटी पहले से जीरो थी, इसका मास 2m है और इसका मास m है, ठीक है। ए बॉल मूविंग कोलाइड हेड ऑन अनदर स्टेशनरी बॉल और डबल द मास, इफ द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, e की वैल्यू देना दिया, ध्यान देना e की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि e की वैल्यू अगर 0.5 है तो कोलिजन किस टाइप का है, कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इलास्टिक वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। देन देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी, मान लो कोलिजन यहाँ हो गया और कोलिजन के बाद जो है एक वेलोसिटी v1 से जा रहा है और दूसरा v2 से जा रहा है, तो क्या आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो क्या, m1-m2 और m1+m2, ठीक है, m1+m2 मल्टीप्लाइड बाई u1+2 टाइम्स m2u2 डिवाइडेड बाई m1+m2 और इज इक्वल टू v1 कोलिजन के बाद पहले वाले बॉडी, क्या ये फार्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल गलत बात, ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये तब लगता था जब कोलिजन इलास्टिकली था और इलास्टिक कोलिजन के लिए e इज इक्वल टू 1 होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है और बाकी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू ये होती है, e की रेंज, e की वैल्यू प्रैक्टिकली, ठीक है, ये थ्योरेटिकली ये वाली चीज़ है, e इज इक्वल टू लेस देन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आपको इस टाइप का एक फार्मूला है वो याद हो, हाँ जनरली वो किसी को याद नहीं होता है, मतलब बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना, या मैं थ्योरी में डिस्कस किया हूँ
इस टाइप का एक फॉर्मूला वो याद हो, वो किसी को जनरली एग्जाम में याद रहता नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का, जहां इन इलास्टिक कोलिजन हो, इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं आपको हमेशा ये बात बताया हूँ, कोलिजन के प्रॉब्लम दो कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये दोनों मैं लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सभी डेरिवेशन इसी से डिराइव हुए हैं। तो पहला मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में था, तो बाद में भी एक्स एक्सिस में ही जा रहे होंगे, ठीक है, या कुछ ऐसा बता रहा है वन डायमेंशनली है, ठीक है, वन डायमेंशनल ऐसा बताया गया है। तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में 2m और इसका चला गया 0 इनिशियल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम इसका mv1 और इसका आ गया 2mv2। तो काट कुट के, ठीक है, m ने m को, तो 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स v2। तो ये आ गया हमारा अच्छा सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इंटरेस्टिंग बात। चलो अब हमें बचा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई वाला फार्मूला। ई सेकेंड जो लॉजिक है, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई को कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये अलग तभी होंगे जब वी टू ग्रेटर देन वी वन होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस वी वन। और ये कोलिजन तभी करेंगे जब ये यू वन है और ये यू टू है, ठीक है, यू वन ग्रेटर होगा यू टू से, मतलब यू वन माइनस यू टू, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई की वैल्यू 0.5 दिया है, 0.5 दिया है, इसका मतलब ये हुआ, और वी टू हमें चाहिए, वी वन भी चाहिए, यू वन दिया था क्या, यू वन दिया होगा, ठीक है, हाँ 2 है, यू वन 2 है, ये आ गया हमारे पास 2, और माइनस यू टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 1 आ गया और ये आ जाएगा वी टू माइनस v1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो दो वाले अच्छे वाले इक्वेशन मिले, और इन दोनों का अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोलिजन के बाद हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी v1 v2। इनको सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करना इनको बहुत आसान है, बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दूँ, तो जोड़ने के बाद v1 ने v1 को, और 2 एक 3 जोड़ने के बाद, और इधर भी 2 बाई 3 v2, मतलब v2 की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर v2 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो v2 1 मीटर रखोगे तो 1 ने 1 को ख़त्म कर दिया, मतलब v2 आएगा भाई, मतलब v1 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद पहला वाला जो था वो रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा वाला 1 से मूव करेगा, ठीक है। मतलब क्या है यार, 1 और 0 और 1, 0 और 1 सही है, 0 और 1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम करना सीख गए होगे, ठीक है ना। चलो ये कहता है, अब देखो ये जो फार्मूला, ये जो प्रॉब्लम है, वो बच्चे अक्सर इसको डाउट में लेके आते हैं, क्योंकि इसको जो बेसिकली इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको करने में आपको दो तरीके बताता हूँ, और इस टाइप के प्रॉब्लम काफ़ी बार पूछे गए हैं, 2-3 बार आया है, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो, क्योंकि ये इंजन पंप है, फ्लो वाटर थ्रू ए हॉज पाइप, वाटर पासिंग थ्रू द पाइप लीव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर एक पाइप है उसमें से वाटर फ्लो हो रही है, चलो ये पाइप है, इसमें से वाटर फ्लो हो रही है इस टाइप से कुछ, ठीक है, ये पाइप था, इस तरह से वाटर फ्लो हो रही है, और यहां से जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 2 मीटर जो है वो पानी बाहर आ रहा है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, जो वाटर है पाइप है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में 100 kg मास है, यही तो होता मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर कोई पाइप है, ठीक है, 3 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में 100 kg वाटर है, इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर 3 मीटर का पाइप है तो 1 मीटर में 100 kg है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, इंजन का पावर कितना होगा, जो इंजन यहाँ से इसको ये पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसको करने का दो तरीका है, पहला तरीका मैं बताता हूँ, इसको करो, देखो जो मास है, दैट मास इज इक्वल टू 100 kg पर मीटर है,
100 kg पर मीटर है, तो एक सेकंड में देखना, एक सेकंड में 2 मीटर लेंथ का पानी बाहर आया, 2 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो है वो 2 मीटर पानी बाहर आ गया, जो दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, 2 मीटर, ठीक है, एक सेकंड में 2 मीटर पानी बाहर आया, तो एक सेकंड में जब टाइम एक सेकंड हुआ तो 2 मीटर पानी बाहर आ गया यार, और 1 मीटर पानी में 100 kg है मास, तो 2 मीटर पानी में कितना हुआ, इस पूरे जो वाटर बाहर आया उसका मास कितना हो गया, 200 यूनिटरी मेथड से 200 kg, एक सेकंड में 200 kg पानी बाहर आया और लेंथ हुआ 2 मीटर, ये तो पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं एक सेकंड की बात करता हूँ तो एक सेकंड की बात करने के लिए W हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब इनिशियली मैं रेस्ट में मानूँ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हाफ मास आ गया 200 और वेलोसिटी वी का स्क्वायर 4, मतलब 2 ने 2 को काट दिया, तो 400 वाट जो है वो पावर आ जाएगा इस मशीन का, 400 वाट पावर आ जाएगा इसका, मतलब ए ऑप्शन सही है ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप थियरी जो है, आप पढ़े होगे थियरी, आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि इस टाइप के जब हम एक काफ़ी बार मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या वर्क डन, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज द वर्क डन पर यूनिट सेकंड, और ये पावर है पर सेकंड, इज इक्वल टू फार्मूला है हाफ एम वी की पावर क्यू। अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें डिराइव कर दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, बाकी ये थियरी में डिस्कस करवाया जाता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मास कितना है इस टाइप के क्वेश्चन में, 100, ठीक है, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू 8, तो ये 2 ने 2 4 टाइम्स, मतलब 400 वाट इसका सोल्यूशन सही है, 400 वाट इसका सोल्यूशन सही, ठीक है, ये घबराना नहीं, देख के डरना नहीं, ये अगर थ्योरी में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं इसको डिराइव कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। ए ब्लॉक ऑफ मास एम के जी अटैच टू द लोअर वर्टिकल स्प्रिंग, चलो वर्टिकल स्प्रिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है, चलो वर्टिकल स्प्रिंग कर दें। अब इससे हमने ए ब्लॉक मास अटैच लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग फ्रॉम द स्प्रिंग सेलिंग हैज फोर्स कॉन्स्टेंट के, द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली अन स्ट्रेस, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लैंड, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और मास एम है, देखो शुरू शुरू में एक ऐसे स्प्रिंग था यार, ऐसे स्प्रिंग था, ऐसे रहा होगा, ठीक है, जब इसे मास अटैच कर दोगे तो उसमें इलोंगेशन आ जाएगा, एक्स इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्स इलोंगेशन आ जाएगा, और यही मैक्सिमम इलोंगेशन है यार, बहुत आसान है पूछ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा यहाँ पे तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगेगा, ठीक है, और जो वेट एम जी है वो नीचे लगेगा, इक्विलिब्रियम में होगा ब्लॉक लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ए ब्लॉक हमार अटैच टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग हैंग फ्रॉम द सेलिंग, ठीक है, हाँ अब देखो समझना इसको, स्प्रिंग ऐसे था, मैंने ब्लॉक्स अटैच के एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, आएगा ना भाई, तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, तो स्प्रिंग में एक्चुअली क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आया जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्स ब्लॉक, जो स्प्रिंग एक्स नीचे आया डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स का जो होगा लॉस होगा, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ एक्स ने एक्स को, तो जो एक्स जो आ जाएगा वो 2mg अपान के, तो 2mg अपान k मतलब ये बी ऑप्शन सही है, एनर्जी कंजर्वेशन से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आई, कहाँ से आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ वो उसमें स्टोर हो गया।
चलो, ए बॉडी ऑफ मास एम के जी थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 2 meter, इट मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट 80 meter, हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन है वही मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और रिसेंटली अभी भी आया था, 2019 में भी आया था। ठीक है, तो ये यहाँ से एक बॉडी 1 kg है, मास इसका 1 kg है और इसको मैं ऊपर फेंकूँगा। ठीक है, चलो मान लिया ऊपर फेंक दिया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई। विद वेलोसिटी ए बॉडी थ्रोन 20 meter per second से हमने इसको फेंक दिया, अब ये ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक। क्लियर है, अब ये जो हाइट है वो 18 meter है यार, ये जो हाइट है वो 18 meter है। क्लियर है, हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जब आप इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो प्यारे बच्चों, इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो आपको ऊपर फेंकने के बाद कितने फोर्स लग रहा है इस पे, देखो कितने फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी किधर लग रही है, mg नीचे लग रही है। ठीक है, और जब बॉल ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक गया है तो एयर का फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस भी, एयर का फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, दोनों नीचे लगते हैं। एयर का जो विस्कस फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, mg हमेशा नीचे लगेगी। अगर बॉल नीचे आएगा तो ये एयर का फोर्स ऊपर लगने लगेगा। चलो, तो हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन से कितनी एनर्जी लॉस हुई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम मास ऑफ द बॉड वन वेलोसिटी वी का स्क्वायर, कितने से फेंका गया था, ये 400। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 joule, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 200 जूल आ गया, और अब यहाँ से ऊपर जाएगा, दिस इज द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कितनी वर्क करेगी यार, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाई द ऑल द फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उस पर 2 ही फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई द ग्रेविटी और वर्क डन बाई द एयर मस्ट बी इक्वल टू 200 joule। तो ग्रेविटी जो है, जब वो बॉल ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा यार, माइनस mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बॉल नीचे है, तो माइनस एम की वैल्यू 1, और मास कितना भैया, मास 1 kg है, हाइट कितना गया, 18 meter गया, और जी की वैल्यू 10, माइनस 180 joule, माइनस 180 joule इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 180 joule और प्लस वर्क डन बाय द एयर, तो कुल मिला के मुझे मिलेगा 200, तो वर्क डन बाय द एयर हमें मिल जाएगा 20 joule। हाँ? कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, ओहो, देर इज साइन लिटिल मिस्टेक, जब ऊपर गया था तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग गया, ये सही है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वर्क डन फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0, और यहाँ एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस 200 joule, ये माइनस 200 joule, ये माइनस 200, ये माइनस 200, ये प्लस 20 joule, तो वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस वो प्लस 20 joule आएगा। तो क्या ये प्लस 20 joule आएगा, क्या ये बात सही है, चलो देख लेते हैं कि क्या एयर का वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द एयर इज प्लस 20 joule, टोटल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव और एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो एयर इस पे दिस इज एक्चुअली द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज वर्क डन बाय द एयर, ठीक है, वो हम, वो मैं देखो हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ,
वर्क डन बाई द रजिस्ट्री फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, वो निगेटिव आएगा ना भाई, ठीक है, हाँ, माइनस 20 जूल। तो माइनस 20 जूल जो कि सही है, एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहा लग रहा है, ठीक है। तो एयर का वर्क डन निगेटिव आया, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव आया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी निगेटिव है, ठीक है। चलो ये देखो, ये कहता है एक एक्सप्लोजन ब्लो ए रॉक इनटू द थ्री पीसेस, ठीक है। एक एक्सप्लोजन है, एक रॉक है, ए पीस ऑफ रॉक है, और पीस ऑफ रॉक थ्री पार्ट में ब्रेक हुआ। द टू पार्ट फ्लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड वन के जी फर्स्ट ए पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 12 एंड टू के जी ए पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों परपेंडिकुलर है। थर्ड पार्ट फ्लाई अप विद वेलोसिटी 4 में मास। देखो क्वेश्चन को समझो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा दिया हूँ और आया भी है, ठीक है। अगर एक पीस ऑफ रॉक है जो एक्स वाई प्लेन में मान लो रखा हुआ है, अब इसके दो पीस हुए, एक पीस इधर जा रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वो उसका मास 1 केजी है और वो 12 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। दूसरा जो पीस है वो ऊपर जा रहा परपेंडिकुलर 2 केजी है, ठीक है, ये 2 केजी है और 8 मीटर पर सेकेंड से वापस इधर जा रहा है। तो तीसरा वाला किधर जाएगा? आपको पता है कि तीसरा वाला अगर ये दोनों रेस्ट में थे तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो इधर कहीं आएगा यार, ठीक है, इधर कहीं आएगा नेट मोमेंटम, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा वाला पीस है उसको वो इधर कहीं जा रहा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे, ठीक है, तभी तो जाके नेट मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए यार। तो इन दोनों का नेट मोमेंटम इधर गया तो तीसरा वाला इधर ही जाएगा, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा कैंसिल करके, ठीक है। तो थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसकी मास हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनिशियल इसका मोमेंटम आ गया 12 मास और इसका मोमेंटम आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो नेट मोमेंटम आ जाएगा, नेट मोमेंटम ये वाला आ जाएगा, वो 12 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द नेट मोमेंटम, ये इसका आ जाएगा नेट मोमेंटम, जो कि इन दोनों का, इन इस मोमेंटम और इस मोमेंटम का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। और ये मोमेंटम इसके मोमेंटम के इक्वल होगा और ये आ जाएगा 4m, दिस मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू 4m। यहाँ से मुझे मास की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मास की वैल्यू पता चल जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 144 और प्लस 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 4m, ठीक है, नेट मोमेंटम 4m, हाँ 144, ठीक है, और ये आ जाएगा 16m, ठीक है, 144 और ये 1 का स्क्वायर, देखो एक मिनट, सही है, तो ये आ जाएगा 12 इधर सही है, नेट मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, और यहाँ पे गलती हुआ है, 8 × 2 = 16 होगा ना यार, 10 थोड़ी होगा, यहाँ जोड़ दिया हूँ मैं, ठीक है, ये 16 होगा, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 256, ठीक है, ये आ जाएगा 256, तो 256 और ये आ जाएगा 356, ठीक है, 256 और ये, हाँ, और ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 144, हाँ, देखो 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 यहाँ पे ये 256 और 144 ये काट दो, ठीक है, 2 और 3 और ये 400, तो ये आ जाएगा 400 अंडर रूट मतलब 20 इज इक्वल टू 4m, ठीक है, ये काट दो, ठीक है, ये 144, ये समझ रहे ना, अरे समझ रहे ना भाई कहाँ गलती हुआ था, ये 12 हुआ और ये 16 हुआ, 12 और 16 का स्क्वायर 400 और 400 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 4m, तो 4m इसका मतलब ये हुआ कि 400 200, ठीक है, ये आ जाएगा 20, ठीक है, हाँ 20 डिवाइडेड बाई 4m, तो 4m की जो वैल्यू आ जाएगी 5 kg, ठीक है, क्लियर है,
तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5 kg, जो फाइनल सोल्यूशन ये है, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। चलो एक कहता है देखो, हाँ अभी जो हम लोग क्वेश्चन एक करके आए थे इसे पिछले वाला, वो इसी वेराइटी का क्वेश्चन है। कहता है इंजन पंप वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए हॉज, एक इंजन है, इसको वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। हालांकि ये फार्मूला कहता है इंजन है, वाटर पंप करता है कंटिन्यूसली थ्रू ए हॉज, एक पाइप के हेल्प से। A water leaves the hose with velocity V and m is the mass per unit length of the water. What is the rate at which the kinetic energy imparted to the water? क्वेश्चन को समझना कि अगर एक पाइप है उससे जो वाटर है वो बाहर आ रही इस टाइप से, ठीक है, अभी हम लोग किए थे ना, ये वाटर बाहर आ रहा है। अब इसमें जो दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर जब लीव द हॉज, हॉज मतलब ये जो पाइप है इसे जो वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से वाटर लीव हो रहा, और जो पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है कि dm/dl मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर z इज m है, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को तो dm/dt बोलते हैं, dm/dl बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ m है। ठीक है, क्लियर है। What is the rate at which kinetic energy imported to the water? जो इंजन है वो कितनी kinetic energy वाटर को इंपोर्ट कर रहा है यार, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है, द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसमें से रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे यार, ठीक है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv². ठीक है, अब कहता है कि द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इंपोर्टेड, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई। ठीक है, द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज द पावर बाई वर्क डन। क्या होता है वर्क डन अपन टाइम टी दैट इज द पावर, और वर्क डन क्या है, एनर्जी है, दैट इज dw/dt रेट ऑफ डूइंग वर्क, या पर सेकेंड रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज द पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना, मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं भैया किसी चीज़ का रेट, ठीक है, बाई dk/dt ऐसे ही तो नहीं था, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो dk/dt इधर मिलेगा, ठीक है, और 1/2 कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इधर मिलेगा dm/dt पर सेकंड, जो स्पीड यहां से लीप कर रही है वाटर वो एक कॉन्स्टेंट है dm/dt आ गया। अब dm/dt अब हम मुझे dm की वैल्यू यहाँ से रख दो, dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1/2 v² dm की वैल्यू आ जाएगी mdl/dt और dl/dt क्या है, लेंथ पर यूनिट लेंथ क्या है, ठीक है, ये 1/2 m और v² एंड dl/dt इट्स नथिंग बट इज द स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 mv³ दैट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपोर्टेड, दैट इज रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपोर्टेड पर सेकेंड एंड दैट इज द पावर। ठीक है, अभी आप किए थे इसे पिछले वाले में, मैं यही डायरेक्ट लगाया था, यही वाला मैं डायरेक्ट लगाया था, मतलब 1/2 mv³ दैट इज, यहाँ से ये डी ऑप्शन हम लोग का सही बनता है इस पर। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हुआ ए सेल है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल, ठीक है, चलो ए सेल है, मास 200 ग्राम इजेक्टेड फ्रॉम ए गन, ठीक है, चलो एक गन है, अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, तो ये गन है और यहाँ से एक सेल मतलब यहाँ से गोला बुलेट, यहाँ से इस तरह से बुलेट आगे जा रही है, ठीक है, ये तो ये गन है और यहाँ से हमने बुलेट शूट किया। द सेल ऑफ मास टू, ये जो सेल है वो 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, ध्यान देना, इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 kg, जो गन है वो खुद का मास है उसका 4 kg, दैट जनरेट 1.0
1.05 किलो जूल एनर्जी। मतलब देखो, हमने एक बम फेंक, यहाँ से बम टाइप सेल रिलीज किया और कुछ टाइम बाद सेल फूट जाएगा। ठीक है भाई, होता है ना लड़ाई उड़ाई होती है पाकिस्तान वगैरह से, तो क्या होता है, ठीक है हमने यहाँ से बम फायर किया और ये यहाँ से जाके फूट जाएगा। अब जब वो फूटेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिली टोटल यार, टोटल एनर्जी मिली मुझे, ठीक है 1.05 किलो जूल। तो किलो जूल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1.05 इंटू 10 की पावर 3 1000 जूल से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1050 जूल, 250 जूल एनर्जी रिलीज हो गई होगी। ठीक है जब इससे, तो दैट इज़ अ टोटल एनर्जी। ये एनर्जी पहले कहाँ थी यार, ये एनर्जी बुलेट और गन के सिस्टम में थी। ठीक है, बुलेट और गन के सिस्टम में थी, तो ये टोटल एनर्जी इतना रिलीज हुई बम जब इसे निकाल दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एनर्जी कंजर्व करा दूँ। जब ये यहाँ से, हमको पता है कि जब यहाँ से बम ये फायर किया जाता है तो जो ये जो गन है उसकी वेलोसिटी V1 इधर मान लूँ, तो बुलेट है उसकी वेलोसिटी मैं V2 इधर मान लूँ। गन और बुलेट की अपनी अपनी वेलोसिटी, अपना अपना मास है। और ये जो एनर्जी आया, शुरू शुरू में क्या था, रेस्ट में थे यार, शुरू शुरू में क्या थे, रेस्ट में थे। अगर शुरू शुरू में रेस्ट में थे तो टोटल एनर्जी जब हमने इसको फायर किया तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी बनी दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो इसमें काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई वो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 1050। ठीक है, इनिशियल यही तो काइनेटिक एनर्जी बनी यार, गन इधर जाएगा बुलेट इधर जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों की वेलोसिटी, इसमें से दोनों की वेलोसिटी नहीं पता भाई। ठीक है, मास एनर्जी प्रामी गन 4 kg एक्सप्लोजन जनरेट इतना की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल, हाँ सेल की वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल मतलब हमारा टारगेट है V2 निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 कहाँ से निकलेगा भैया, V2 तब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरा V1 नहीं निकलेगा। तो V1 निकालने के लिए एक और इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, एक काम करते हैं मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। मोमेंटम कंजर्व भाई, बुलेट गन मास सिस्टम एक सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का कितना था, 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा तभी होगा जब इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, मतलब M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2, बाद में वैल्यू रख दूंगा यार। ठीक है चलो, तो इसका मतलब ये हुआ हमें V2 चाहिए, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी M2 V2 और डिवाइडेड बाय M1, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इस 2 को उठा के यहाँ रख देते हैं फर्स्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो मुझे V2 पता चल जाएगा, तो हाफ M1 हाफ M1 और V1 की वैल्यू स्क्वायर, इसका M2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर और 1050 ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ यहाँ से मैं V2 कॉमन ले लूँ, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ये M1 ने M1 को यहाँ ख़त्म कर दिया और 1/2 कॉमन है, साथ साथ V2 कॉमन है। ठीक है, तो V2 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बना M2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई M1 और प्लस यहाँ बना M2 और इधर आ गया 1050। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, ठीक है, 2 टाइम्स M1 1050 डिवाइडेड बाई M2 स्क्वायर और प्लस M1 और M2। अब फाइनली वैल्यू रख दो। ठीक है, अब फाइनली वैल्यू रख दो और रूट ले लो M1 और M2। M1 किसको माने थे आप? ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता M1 किसको माने थे। यहाँ पे M1 4 kg है, M1 4 kg है और M2 200 ग्राम है,
तो 4 केजी और 200 ग्राम इसमें रखो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 केजी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1050, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर ग्राम था -3 केजी का स्क्वायर, और प्लस प्लस 200 ग्राम 2 × 10 की पावर -3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 केजी, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट पूरा सोल्यूशन लिख लेना इसका, तो जो V2 आ जाएगा, ठीक है, पूरा सोल्यूशन लिख लेना इसका, जो V2 आ जाएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है। ये देखना सॉल्व करना है इसको, 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है जो कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ मैंने समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, मोमेंटम कंजर्व करा दिया, दैट इज यहां से सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, कहता है वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट ए रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड। वाटर फॉल करा कुछ हाइट से और उसका अपना रेट दिया हुआ यार, ठीक है। वाटर इज फॉलिंग विथ सम रेट, ठीक है। चलो, तो ये जो रेट है, वाटर का रेट हम लोगों के पास है, हाँ कर सकते हैं इसको। वाटर फॉल फ्रॉम ए हाइट, कुछ हाइट से वाटर फॉल कर रहा है यहां से, चलो यहां से एक एच हाइट बना देता हूं, वाटर यहां से, ठीक है, यहाँ से वाटर ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ द वाटर। अब जो वाटर है वो 60 मीटर से फॉल कर रहा है, 60 मीटर से फॉल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। टरबाइन द लॉस ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू 10% एनर्जी। अब आपको समझना है कि इतने हाइट से वाटर फॉल कर रहा, तो 100% कन्वर्जन तो कभी नहीं होता यार, ठीक है। डैम में जो है एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस होती है, तो 10% एनर्जी लॉस हो गई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका 90% बच गया, 10% तो लॉस हो गया, तो 90% ही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई यार, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो 90% एनर्जी, 90% ऑफ MgH, 90% ऑफ MgH इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, 90% ऑफ MgH। हाउ मच पावर जनरेटेड, 90% एनर्जी कन्वर्टेड इंटू टोटल एनर्जी, यही एनर्जी में कन्वर्ट हुई। हाउ मच पावर जनरेटेड बाई द टर्बाइन, ठीक है, टर्बाइन का पावर कितना है, पावर इज इक्वल क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो अगर मैं पावर निकालू पर सेकेंड, 15 केजी वाटर पर सेकेंड फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9, ये जो पर सेकेंड निकालूं तो दैट इज वर्क डन, और वर्क डन क्या है, 90% ऑफ MgH, 90% ऑफ MgH, और 90% ऑफ MgH इसका मतलब ये हुआ कि 90/100, और मास जो है वो 15 जी की वैल्यू 10 और हाइट 60, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेना कॉट, ठीक है, ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये आ जाएगा 8.1 किलो वाट, दैट इज द पावर, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये इतने सारे हम क्वेश्चन किए, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।